हेलो दोस्तों, मैं वरुण निषाद और आप देख रहे हैं साईटेक चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट से नया पासपोर्ट का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू यूजर स्टेशन पे क्लिक करके आप नया आईडी क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अगला जो इंटरफेस आएगा लॉगिन का, उसमें आप लॉगिन आईडी टाइप कर देंगे और लॉगिन आईडी टाइप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो जो आप पासवर्ड बनाए रहे होंगे वो पासवर्ड आप यहां पर टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद जो कैप्चा शो हो रहा है उस कैप्चा को नीचे वाले बॉक्स में सेम जैसा है वैसे आप यहाँ पर देख करके टाइप कर दें। टाइप करने के बाद आप अगले स्टेप में लॉगिन पर क्लिक करें। आप जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेंट होम का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आप नया पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं या रीइशू पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइशू आप पासपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, तो आप जहाँ से इच्छा करें आप वहाँ से क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाएंगे। और जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइशू आवर पासपोर्ट में आप यहाँ अल्टरनेटिव वन और यहाँ पे अल्टरनेटिव टू दिया हुआ है। तो अल्टरनेटिव वन में आप इसमें क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक करेंगे और अल्टरनेटिव टू के अंतर्गत इसमें जो है कि आप फॉर्म है वो ऑफलाइन प्रोसीजर होता है। इसमें फॉर्म भरने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले करके उसका स्कैन करेंगे, तो कई स्टेप जो होते हैं जो ऑफलाइन ही पूरा करना पड़ता है इसमें, लेकिन ये अल्टरनेटिव वन जो है ये बेहतर है, हम डायरेक्टली यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अल्टरनेटिव इंटरफेस के अंतर्गत क्लिक हियर टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और पासपोर्ट टाइप में फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल और 36 पेज सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो एप्लीकेंट डिटेल की इंटरफेस पे आ जाएंगे। इसमें हम गिवन नेम के अंतर्गत एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे और जो सरनेम में है वो सरनेम में आवेदनकर्ता का जो कास्ट कैटेगरी जैसे कुमार है या अन्य कास्ट जो जिस नाम से वो जाना जाता है उसका कास्ट, उस कास्ट नेम को यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके बाद जेंडर में मेल सेलेक्ट कर लेंगे और अगले स्टेप में हम यहाँ पर मूव कर देंगे। और जो अगला स्टेप है उस अगले स्टेप में भी हम जो एलियाज नेम है उसका उपनाम है यहाँ पे भी हम नो ही सेलेक्ट कर देंगे, कोई उपनाम नहीं डालने वाले हैं हम। और अगले स्टेप में हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे या टाइप कर लेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, चाहे तो आप टाइप भी कर सकते हैं। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप आउट ऑफ इंडिया वाला जो टॉपिक है इसको नो रहने देंगे और प्लेस ऑफ बर्थ में आप विलेज टाउन सिटी के अंतर्गत अपना गाँव या सिटी जो भी है वो टाइप कर दें। स्टेट के अंतर्गत राज्य सेलेक्ट कर लें और अगले स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें। मैरिटल स्टेटस के अंतर्गत क्या आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो इसमें आप जो सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर लें, ये मैरिड है तो आप मैरिड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई के अंतर्गत यहाँ पर आप बर्थ से ही जन्म से ही रहते हैं तो आप यहाँ बर्थ वाला टॉपिक सेलेक्ट कर लें और पैन या वोटर आईडी यहाँ पे इफ़ अवेलेबल लिखा हुआ है, कोई कंपलसरी नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे जो रेड स्ट्राइक लगा हुआ है उसे ही फिलअप करना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप अदर स्टूडेंट या जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे अदर्स लिख देते हैं। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत हम क्लास 8 के आधार पर इसका पासपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं तो क्लास 8 क्वालिफिकेशन आवेदनकर्ता से पूछ करके आप सबमिट कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी में यहाँ पे नो हो जाएगा क्योंकि ये अभ्यर्थी कक्षा 10 क्वालिफाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो रहेगा। और सबमिट सेव फाइल डिटेल पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा एआर नंबर जनरेट हो जाएगा और नेक्स्ट कर लेंगे तो हम फैमिली डिटेल के अंतर्गत अगले इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें लीगल गार्जियन नेम या फादर नेम या फिर जो पिता का फर्स्ट नेम है वो टाइप कर लेंगे और सर नेम में लास्ट नेम जो होता है कास्ट सर्ट कैटेगरी नेम वो टाइप कर देंगे। मदर में गिवन नेम में यहाँ पर माता का पहला नाम टाइप कर देंगे और सर नेम में आप देवी टाइप कर देंगे। लीगल गार्जियन में गिवन नेम में ये जरूरी नहीं, इसको खाली छोड़ देंगे। जैसे जो आवेदन करता है यदि गोद लिया हुआ रहता है तो उनका डिटेल यहाँ पे मेंशन करना होता है, बाकी खाली छोड़ देंगे। स्पाउस
नेम में पत्नी का नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सेव माई डिटेल पर क्लिक करेंगे और आप चाहे तो डायरेक्टली नेक्स्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके हम अगले इंटरफेस में प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस के इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम नो रहने देंगे और हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम के अंतर्गत विलेज और पोस्ट साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। टाइप करने के बाद अगले स्टेप में आप विलेज टाउन सिटी में जो ऊपर वाले बॉक्स में विलेज एंड पोस्ट आप टाइप किए हैं उसको यहाँ पे टाइप कर लें। यहाँ पे टाइप जब हो जाएगा तो आप अगले स्टेप में देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन, पिन कोड साथ ही साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगा गया है। तो हम इनको हम बारी बारी जो आवेदनकर्ता का है वहाँ पे सेलेक्ट करते चलेंगे। जैसे स्टेट के अंतर्गत स्टेट सेलेक्ट कर लें, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करने के बाद अब उसके बाद आप पुलिस स्टेशन में जो आपका थाना पड़ता है वो थाना सेलेक्ट कर लें। थाना सेलेक्ट करने के बाद अगले स्टेप में आप पिन कोड टाइप कर दें। पिन कोड टाइप करने के बाद जो आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर है, उस एक्टिव मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे टाइप कर लें। ईमेल आईडी में आप चाहे आवेदनकर्ता का ईमेल आईडी टाइप कर दें या फिर अपना खुद का ईमेल आईडी टाइप कर दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें है। और अगले स्टेप में इस परमानेंट एड्रेस के अंतर्गत यहाँ पे आप एस रहने दें। और इसमें अगले स्टेप में जो पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे अगले स्टेप को भी यस करके सेव माई डिटेल पर क्लिक कर देंगे। और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सेव हो जाएगा और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम ओके करेंगे तो अगले स्टेप में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में यहाँ पे नेम एंड एड्रेस, यदि यहाँ पे अगर आपके पिता जीवित है या आवेदनकर्ता के फादर जीवित है तो यहाँ पे फादर नेम के साथ साथ एड्रेस मेंशन कर दें। यदि फादर ने जीवित नहीं है तो यहाँ पे माता का नाम, बड़े भाई का या पत्नी का, आप किसी का भी नाम साथ में एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। और साथ में घर का जो कोई भी मोबाइल नंबर हो या आवेदनकर्ता का सेम मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद अगला स्टेप देना जरूरी नहीं है तो हम उसको खाली छोड़ते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल के इंटरफेस के अंतर्गत सबको नो आने देंगे। तीनों ऑप्शन को नो होने के बाद हम अदर डिटेल के इंटरफेस में आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे लीगली कोई आपके आप पे एक्शन तो नहीं लिया गया, जैसे इसमें आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है या फिर कोई क्रिमिनल केसेस है या फिर अन्य कोई भी चार्जेस तो नहीं है, तो जो यहाँ पे सभी हम यहाँ पे नो रहने देंगे। नो होने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपका पासपोर्ट का नमूना यहाँ पे शो होगा कि किस तरह का आपका पासपोर्ट पे नाम रहेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आज सभी सूचना कैसे प्रिंट होंगी यहाँ पे आपका एक डेमो दिखाया जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे देख करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन इंटरफेस के अंतर्गत आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रूफ ऑफ बर्थ में यहाँ पे आप जो जन्म का प्रमाण पत्र है जैसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसपे आधार कार्ड जिसपे बर्थ मेंशन हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं आधार ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि आवेदनकर्ता कक्षा 8 क्वालिफाई है और उसके आधार पे बनवा रहा है, तो हम पहले में आधार कार्ड सेलेक्ट कर ले रहे हैं और दूसरे वाले में जो प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस के अंतर्गत यहाँ पे पासपोर्ट सॉरी फोटो पासबुक सेलेक्ट कर ले रहे हैं जो आपका रनिंग इस समय चल रहा है, 3 महीने के अंदर का होना चाहिए बैंक पासबुक। तो बैंक पासबुक सेलेक्ट करने के बाद अगले स्टेप में हम नो रहने देंगे मोबाइल नंबर को और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस टाइप कर देंगे। प्लेस टाइप करने के बाद सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देंगे। इसमें आप प्रीव्यू पे क्लिक करके जो आप सूचनाएँ फिलअप किए हुए हैं उन सूचनाओं को ध्यानपूर्वक प्रिंट आउट ले करके ध्यान से पढ़ लें, मिला लें और मिलाने के बाद फिर वापस आ करके आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दें। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। और अगले स्टेप में पेमेंट वाले फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट में आपका डिटेल शो होगा। और उसके बाद आप यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट के अंतर्गत जितने पीएसके हैं जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र का सभी लिस्ट यहाँ पे शो होने लगेगा कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है उस पर कब कब आप विजिट कर सकते हैं तो आपका पासपोर्ट का डेट आपको मिलेगा। तो इसमें आप
जो भी PSK पे आप जाना एलिजिबल है उस PSK को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे PSK सेलेक्ट करने के बाद अगले स्टेप में वो जो कैप्चा दिया हुआ है टाइप करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का इंटरफेस आएगा, उसमें आप यहाँ पे कैलेंडर वाले लिंक पर जब आइकॉन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी ग्रिड में दिखा रहा होगा वो खाली अपॉइंटमेंट है, आप उस डेट को सेलेक्ट करके यहाँ पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देंगे। और अगला जो इंटरफेस होगा वो पेमेंट पेज का होगा, इसमें आप नेट बैंकिंग या फिर UPI या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम अदर बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस आएगा उस इंटरफेस के अंतर्गत हम अपना डेबिट कार्ड और जो उस पर सूचनाएँ दिए हैं उसको हम फिलअप करेंगे। यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे, कंफर्म दोबारा करेंगे। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपका जो डेबिट कार्ड है उसका यहाँ पे कार्ड डिटेल टाइप करेंगे। कार्ड डिटेल टाइप करने के बाद अगले स्टेप में एक्सपायरी डेट जो आपका कार्ड पे दिया हुआ है उसको देख करके आप यहाँ पे टाइप कर दें, सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपायरी सेलेक्ट कर लें। कार्ड होल्डर का जो नेम है वो नेम यहाँ पर टाइप कर लें। CVV नंबर के अंतर्गत जो कार्ड के पीछे 3 नंबर दिया हुआ है उसको आप यहाँ टाइप कर लें। टाइप करने के बाद जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा को फिल करके पे पर क्लिक कर दें। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे अगले स्टेप में आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को टाइप करके आप पे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका जो अमाउंट होगा वो आपका अमाउंट तो डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपका जो पेज है 10 सेकंड के लिए होल्ड रहेगा और 10 सेकंड होल्ड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली पेज आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जब आप रिडायरेक्ट होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे और जो आपको पासपोर्ट सेवा पे जब विजिट करेंगे तो इस अपॉइंटमेंट लेटर को प्रिंट निकाल करके लेके साथ ले जाना होता है, तो इसका आप सिंपली प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम जानेंगे, इस प्रकार हम पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें रही बात जैसे कि आपको न्यू ईयर आईडी कैसे बनाना है या फिर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी चीज़ें आपको हम बताएंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद, वंदे मातरम।